legacy of leaders at PGC Jamjeri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भारत माता की। क्यों भाई, कांगड़ा वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? डॉक्टर राजीव जी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भैया, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक सभी लोग, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय राजीव बिंदल जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, उपस्थित सभी सांसद, विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज कांगड़ा की विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बृजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, ज्वालामुखी माता, वैद्यनाथ जी, लक्ष्मीनारायण मंदिर, बगलामुखी मंदिर, कुणाल पथरी मंदिर, इंदुनाथ मंदिर, ये सभी धर्म स्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना। मैं जब हिमाचल आया हूं तब देवभूमि, वीर भूमि, ये हिमाचल की गिरिकंदराओं को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हो गया, तुम चालू कर दो, इशारा कर दो, मैं बंद कर दूंगा। हाँ, हो गया भैया, पक्का? जब आपको बोलना हो तब मुझे बताना, मैं बंद कर दूंगा, तुरंत ही बंद कर दूंगा, आप चिंता मत करो। 20 मिनट तक तुम बोलते रहो। हाँ भाइयों बहनों, इस चुनाव में हिमाचल में चारों की चारों सीटें तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है। डालोगे ना कांगड़ा वालों? अरे जोर से बोलो, डालोगे ना? मगर इसके साथ साथ हमने 6 सीटें विधानसभा की भी कमल खिलाना है। हमारे यहां विधानसभा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा जी है। सुधीर जी आगे आओ, जरा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सुधीर जी के लिए। देखो भैया, सुधीर जी को जिताना इसलिए जरूरी है कि 6 सीट जीतने से हमारे नए साथी सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, हिमाचल में कमल फूल की सरकार बन जाएगी। बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भाइयों बहनों, मैं जब हिमाचल में आया हूं तब चुनाव के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। 5 चरण में देश में क्या परिणाम आने वाला है जानना है? क्या जानना है तो मैं बता देता हूं, 4 चरण में हमारे नेता मोदी जी
310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम किया और एक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। पांचवे और छठे चरण की जिम्मेदारी मोदी जी को 400 पार कराने की है। तो कांगड़ा वालों, आपकी जिम्मेदारी है 400 पार कराने की। और मैं दूसरा भी परिणाम कहता हूं, ये राहुल बाबा है ना, जो राहुल बाबा जानते हो ना, राहुल बाबा इस बार 40 भी पार नहीं करने वाले हैं। 40 भी 4 जून को परिणाम आते ही, भैया बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ जरा, ओ दिल में मोदी बैठ जाओ जरा। 4 जून को परिणाम आते ही मोदी जी 400 पार करेंगे, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी और राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं वरना हम तो चुनाव जीतने वाले। ये सब सही है। ये जब हिमाचल में जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, उस वक्त ईवीएम अच्छा है, और लोकसभा में जब हारेंगे तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। आज खड़गे साहब यहां आए हुए, हिमाचल में आए हुए। खड़गे साहब 4 तारीख तक घूम लो, 6 तारीख को हार का ठीकरा आपके सर पर फोड़ना तय है, आपके सर पर। ये भाई बहन तो पूरे हो नहीं सकते। राहुल जी और प्रियंका जी को कुछ नहीं होगा, खड़गे साहब का इस्तीफा लेकर खड़गे साहब का हार का ठीकरा फोड़ने का कारण एक कांग्रेस पार्टी। और राहुल बाबा, एक बात मैं बताता हूं आपको, 6 तारीख को किसी जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि राहुल बाबा का कार्यक्रम है 6 तारीख को, राहुल बाबा बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले हैं। हिमाचल वालों, आपको पसंद है 2 खेमों के बीच में, एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो थोड़ा गर्मी बढ़ते ही देश के बाहर छुट्टी करने चले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में आपको पसंद करना है। ये दो जो खेमे पड़े हैं, एक खेमा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और दूसरा खेमा इंडी अलायंस कमटिया गठबंधन का है। मैं आज आपको कहने आया हूं, 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले भ्रष्टाचार कर 10 साल तक के कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जहां जहां राज्य सरकारें बनी वहां वहां भी भ्रष्टाचार किया। इनके साथी भी लालू जी, ममता बनर्जी, सारे के सारे आरोपों में घिरे हुए। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिनको 23 साल तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए हैं, नहीं लगा। एक और लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ का, और दूसरी ओर 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने देश में 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया,
14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 3 करोड़ घरों में गरीबों को घर दिया, 7 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, अरे कांगड़ा वालों मुझे बताओ, कांगड़ा वालों मुझे बताओ, कांगड़ा वालों मुझे बताओ, कोरोना का दोनों टीका आप लोगों का लग गया है या नहीं लग गया है? हाथ ऊपर करो जिसका लग गया है भाई, जरा जोर से हाथ ऊपर करो, दिखाई पड़े इसको। सिर्फ आप लोग नहीं, देश के 130 करोड़ की आबादी को कोरोना का टीका लगाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। मोदी जी ने जब कोरोना का टीका लगा रहे थे, ये राहुल बाबा क्या कह रहे थे, ये मोदी टीका है मत लगाओ, बीमार पड़ जाओगे। ये तो भैया अच्छा हुआ कांगड़ा वालों ने इनकी सुनी नहीं और टीका लगा दिया, देश भर में सबने लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा सबने टीका लगाया है, एक दिन रात को बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगा है, वो भी टीका। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में आप इतनी ओछी राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, ये लोग देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब यहां की सरकार, मैं भी प्रचार में आया था, जब चुनाव लड़ी तब कांग्रेस पार्टी ने ढेर सारे वादे किए थे। मैं आज मुख्यमंत्री जी को और हिमाचल की जनता को ये वादे याद कराना चाहता हूं और आपको पूछना भी चाहता हूं। उन्होंने कहा था हिमाचल की हर माता बहन को 1500 रुपया हर महीना देंगे। माताओं मिला है क्या? जरा जोर से बोलो मिला है। 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, युवाओं एक भी नौकरी मिली है क्या? 300 यूनिट भी बिजली फ्री देंगे, मिली है क्या? गाय का गोबर भी 2 रुपये किलो खरीदने वाले थे, खरीदा है क्या? उन्होंने कहा था 100 रुपये लीटर दूध खरीद लेंगे, खरीदा है क्या? किसान की फलों की कीमत तय करवाने वाले थे, हुई है क्या? उन्होंने कहा था हर गांव में मुफ्त इलाज के दवाखाने खोलेंगे, खुले है क्या? 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाना था, वो भी नहीं बना। और हर विधानसभा में 4 नए स्कूल खोलने थे, वो भी नहीं। भाइयों बहनों, अगर यहां की कांग्रेस ने सरकार ने कोई काम किया है तो भ्रष्टाचार करने का काम किया है, इसके अलावे कुछ नहीं किया। आप तो आई, हमने 3200 करोड़ रुपया डायरेक्ट इनडायरेक्ट भेजा है, 3200 करोड़ रुपया, उसमें भी गबन करने का काम कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किया है। मोदी जी ने 1700 करोड़ रुपया डायरेक्ट
1200 करोड़ रुपया 1300 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार। दूसरी ओर वादा तो हमने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। ये वीर भूमि है, सबसे ज्यादा सेना के जवान मेरे हिमाचल से जाते हैं प्रो रेटा। देश की सुरक्षा हिमाचल के जवान सुनिश्चित करते। इंदिरा गांधी ने वादा किया था वन रैंक वन पेंशन का, इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने तो नहीं किया मगर मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन देकर जवानों का सम्मान करने का काम। 1,20,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के परिवार के चक्कर में मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाया। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव आता है कार्ड डालकर हिमाचल से पैसे लेकर चुनाव लड़ते हैं। हिमाचल वालों, आपका पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए है या हिमाचल के विकास करने के लिए, बताओ भाई? ये कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते हैं। ये काम केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांगड़ा की मैं बात करना चाहता हूं। 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर मंडी पठानकोट 4 लेन रोड बनाया। 35,000 करोड़ से पठानकोट भरमोर रोड बन चुका। शाहपुर में ड्रोन पायलट स्कूल स्थापित किया। नगरोटा बागियान रानीताल मुबारकपुर रोड बनाया। नेशनल हाईवे 21 किरतपुर मनाली सड़क को चौड़ा किया। 200 करोड़ से कांगड़ा से मैक्लोडगंज रोप वे बनाया। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा में बनाया 570 करोड़। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए दिए। एक ही विधानसभा लोकसभा में चंबा में मेडिकल कॉलेज बनाया। 16,000 गरीबों को घर दिया। 17,00,000 गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। 44,000 माताओं को कांगड़ा में गैस का सिलेंडर दिया। लगभग 58,000 शौचालय बनाए। 5,20,000 घरों में नल से जल पहुंचाया और 2,70,000 किसान सम्मान निधि के हमने लाभार्थी। भाइयों बहनों, विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आदत भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना, हाँ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है। वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। कांगड़ा वालों, मेरी बात याद रखना, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। ये कांग्रेस पार्टी को
डराने की आदत लगी है। मोदी जी जब धारा 370 हटा रहे थे, मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकर मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया, मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र, और करने वाला चाहिए भाई, करने वाला होता है तो कैसे काम होता है। पहले अपने कश्मीर के अंदर, अपने कश्मीर के अंदर गोलीबारी होती थी, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में गोलीबारी होती है। पहले हमारे यहां आजादी के नारे लगते थे, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहता है कि हमें भारत में जाना है। ये मोदी जी का चमत्कार है। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। पहले यहां पर टूरिस्ट नहीं जाते थे, अब 2,10,00,000 टूरिस्ट गए और वहां पर आटा 300 रुपये किलो मिल रहा है, 300 रुपये किलो। भाइयों बहनों, मुझे बताओ एक काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? एक काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भारतीय कांगड़ा वालों, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर एक कल्पना कर दो कि इंडी अलायंस जीत गए तो उनका प्रत्याशी कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नाम है? अरे ऐसे नहीं, चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, लालू जी, अब हंसना मत हो, हुआ हो जरा भी मत हंसना। लालू बाबा बन, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? भाइयों बहनों, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। जब पत्रकारों ने इनको पूछा कि भैया आप प्रधानमंत्री किसको बनाओगे, तो नाम तो किसका कहे है ही नहीं, तो कह दिया बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। बोले ऐसे देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? और बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने की ये राहुल की जो फॉर्मूला है, मैं राहुल बाबू को, बाबा को पूछने आया हूं, राहुल बाबा ये बारी बारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, मुझे बताओ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? कोरोना जैसी आफत को देश में आए तो कौन बचा सकता है? चंद्रयान चंद्रमा तक कौन पहुंचा सकता है? G20 कौन कर सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है?
60 करोड़ गरीबों का भला कौन कर सकता है? ये युवाओं के लिए स्टार्टअप की फौज कौन खड़ी कर सकता है? और भाइयों बहनों, सिर्फ कांगड़ा में नहीं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, पूरे देश में मोदी 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 के नारे। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी का जो नारा है पूरे देश में लग रहा है, वो विकसित भारत का नारा है, वो आत्मनिर्भर भारत का नारा है। और 130 करोड़ की जनता का उम्मीद का नारा आज नरेंद्र मोदी बनकर रह चुके हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो ना? जोर से बोलो, चाहते हो? मगर कैसे बनाओगे? वो तो काशी से लड़ रहे। अरे ऐसे नहीं भाई, जरा हम बात कर रहे हैं ना, जोर से नहीं होता। कैसे बनाओगे? वो तो काशी से लड़ रहे, बताओ। मैं आपको रास्ता बता देता हूं। हमारे यहां राजीव जी आ गया हो, जरा राजीव जी खड़े हैं। इनके नाम के सामने सुधीर शर्मा आ गया हो जरा। ए राजीव जी, अरे सुनो ना भाई, ए सुनो यार, ए राजीव जी, ए राजीव जी और सुधीर शर्मा जी दोनों के नाम के सामने कमल का निशान है। कांगड़ा वालों, वो कमल के निशान पर बटन दबाते ही मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना दोगे। तो मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? राजीव जी और सुधीर जी को जिताओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।